रहेगी, जब तक राम राज्य कायम रहेगा, भाजपा रहेगी तो जीत भी निश्चित रहेगी। और सबकी बीवियों को वो मोदी जी रखेंगे। राहुल जी की शादी हुई है, राहुल जी की शादी हुई है, मायावती जी की शादी हुई है, ये बताओ। अभी सब पार्टियों के ध्वस्त हो जाएंगे, ये बताओ आप। राहुल जी की शादी हुई है, लेकिन ये जो भाई अभी बोले कि जो है मोदी जी रणुआ है, मोदी जी रणुआ नहीं है, शादी शुदा है, वो अपने आप में साक्षात भगवान के रूप में है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को देखने को नहीं मिला था। और पहले के प्राइम मिनिस्टर क्या थे, जो उनके लीडर थे वो कहती थी आपको यही स्पीच बोलना है, तो वो वही उतना ही बोलते थे, उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो उनके मुंह पे जब ताला लगा दिया जाता था, जैसे हमारे राम मंदिर में ताला लगा दिया था, मोदी जी आए ताला खुलवा दिया। आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, ये अभी रोजगार की बड़ी मांग उठती है, क्या बीजेपी से ही सबको रोजगार चाहिए? नहीं, बीजेपी से ही नहीं चाहिए, रोजगार तो चाहिए ही, ऐसे समाज में रोजगार का जरूरत है, बेरोजगार लड़के बहुत पड़े हुए हैं, तो रोजगार का जरूरत है। इसी सरकार का गलती है कि पहले की सरकारों का? पहले का भी सरकार में गलती है, पहले से भी रोजगार कमी है, अभी भी रोजगार तो बन ही रहा है। फैक्ट्रियां बनाई इस भारत के अंदर? नहीं, बीजेपी ने बनाई, बहुत फैक्ट्रियां आई है। कांग्रेस ने कितना बनाया? कांग्रेस तो आजादी के बाद से आज तक में सत्ता का कम था, फैक्ट्रियां कम थी उस समय फैक्ट्री कम थी, अभी बीजेपी के राज में ज्यादा फैक्ट्री आई है। अच्छा, एक चीज बताना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो एक चीज बताना, मोदी जी कौन है? मोदी जी देश के मालिक हैं। मालिक हैं, कम मालिक हैं, कम मालिक राजा हैं, तो रडुआ हैं। शादी की है मोदी जी ने? शादी किया है? अरे मोदी जी ने शादी की? सबकी बीवियों को वो मोदी जी रखेंगे? क्यों? राहुल जी की शादी हुई है, राहुल जी की शादी हुई है, मायावती जी की शादी हुई है, ये बताओ। मैं गई, मुझे कोई मतलब हुई है मायावती जी की शादी? ऐसे बोल रहा हूँ मैं, बोलूंगा तो ठीक है। अभी सब पार्टियों के ध्वस्त हो जाएंगे, ये बताओ आप। राहुल जी की शादी हुई है? अखिलेश जी शादी किए हुए हैं, फिर भी जो है उनका नेचर कैसा रहता है? बीजेपी के राहुल जी भी है, वो शादी जो है उनकी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका क्या है ताल्लुकात? वो कहीं जो है पाकिस्तान जाते हैं, कहीं थाईलैंड जाए, कहीं इटली जा रहे हैं। भैया मैं जो इतने करोड़ का खा रहा हूँ, इतने जो है असली है उनकी, कोई दिखाता है? किसी ने नहीं दिखाता। लेकिन ये जो भाई अभी बोले कि जो है मोदी जी रणुआ है, मोदी जी रणुआ नहीं है, शादी शुदा है, वो अपने आप में साक्षात भगवान के रूप में है। अब बताइए, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है? चादर पे सो रहे और नारियल का पानी पी रहे हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को देखने को नहीं मिला था। और पहले के प्राइम मिनिस्टर क्या थे, कि वो तो के साथ में फोटो खिंचाते थे, वो तो क्या कहते थे, जो उनके लीडर थे वो कहती थी आपको यही स्पीच बोलना है, तो वो वही उतना ही बोलते थे, उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उसके आगे बोलते थे तो उनके मुँह पे जब ताला लगा दिया जाता था, जैसे हमारे राम मंदिर में ताला लगा दिया था, मोदी जी आए ताला खुलवा दिया, सबके मुंह में ताला लग गया विपक्ष के, और कोई नहीं है मोदी के सिवा, और कोई नहीं कर सकता ऐसा। और ये सब लोग जो बता रहे हैं ना, ये सब ढकोसले हैं, इनका मुंह बंद हो चुका है, और कुछ इनके पास है नहीं। मेरी लाइट डाउन है, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, क्या 22 तारीख को जिस समय कल प्रतिष्ठा होनी है, प्राण प्रतिष्ठा, क्या उस समय ये मान लिया जाए कि भाजपा की जीत हो चुकी है? जीत तो निश्चित ही है, वो राम को लेकर आएंगे, राम को ही मान लें, राम के लिए ही वो आए थे, राम आ गए हैं अब, और आगे भी जीत निश्चित ही रहेगी, जब तक राम राज्य कायम रहेगा, भाजपा रहेगी तो जीत भी निश्चित रहेगी। जय श्री राम। और